with me for Diwali. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज जरूर से अच्छे हो जाएंगे. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुक विद मी फॉर दिवाली. दिवाली में मेरी कोशिश होती है कि मैं स्पेशल थोड़ा सा मील बनाऊँ. एंड हस्बैंड इस बार बोल रहे थे कि तुम हमेशा ही स्पेशल बनाती हो, रोज़ एवरी डे, सो इट्स ओके अगर तुम कुछ सिंपल भी बना लो. पर ये ट्रेडिशन है मेरा और मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊँ. सो मैं सिंपल ही बनाने वाली हूँ, सिर्फ चने एंड भटूरे. भटूरे का आटा ऑलरेडी मैंने गूंद दिया है, पर मैं जहाँ पर उसको रख के गई थी वो एरिया बहुत ठंडा है. एक्चुअली मैं गई थी क्विक सी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी दो चार चीज़ें चाहिए थी मुझे एंड वो हुआ नहीं है, लाइक राइस नहीं हुआ अभी तक. एंड या कुकिंग का प्रोसेस करते हैं. आज मैं बनाने वाली हूँ चने भटूरे एंड ऑल्सो उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ पल्ले. पर इस बार मैं मिक्स दालों के बनाने वाली हूँ. उसके लिए रात को मैंने मूंगी मसरा की दाल, चना दाल एंड थोड़ी सी माँ की दाल को भिगो के रख दिया था. अब उसको ग्राइंड करके फ्राई करके ब्यूटिफुल पल्ले बनाएंगे. लेट्स सी कि मेरी ये जो मील है कैसा निकल के आता है. उसके साथ पल्ले के साथ खाने के लिए मैं ग्रीन चटनी बनाने वाली हूँ एंड ऑल्सो बनाने वाली हूँ मूली. रेडिश को हम करेंगे कद्दूकस, वो उसके साथ अच्छा लगता है, वो हमारा स्नैक हो जाएगा एंड देन हम छोले भटूरे खा लेंगे. 3 बजे हैं एंड हमने सुबह से कोई मील नहीं खाया. मैं गई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए तो मैंने एक बेगल खा लिया था सब्जियाँ डाल के, लाइक लेटेस्ट टमेटो एंड स्टफ. एंड हस्बैंड ने ओट्स खाए हैं. मेरी कोशिश है कि अराउंड 4:30 हम हमारा खाना खा लें भटूरे छोले, क्योंकि ज़्यादा लेट भी नहीं खाना चाहते हैं. सो जल्दी से कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं. वैसे जब मैं कुक करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इसी काम में अपना समय बिताना चाहती हूँ एंड मैं वीडियो नहीं शूट करना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है. कुक करो, वीडियो करो, कैमरा बंद हो गया, बैटरी चेंज करो, मेमोरी कार्ड, बहुत ज़्यादा हैसल हो जाता है. पर या बनाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है देखना. सो यस, शुरुआत करते हैं. कल हस्बैंड ने एंड हिमन ने लाइट्स लगा दी थी इस एरिया में, ऑलरेडी अच्छा लग रहा है. नहीं, मैंने कुकिंग ऊपर सेशन शुरू किया. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ से मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे फ्यूचर में आने वाली इतनी प्यारी वीडियोज़ को आप खो देंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सबसे पहले भटूरे का आटा गूंद लेते हैं. मेजरमेंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. रफ ये अराउंड 8 भटूरे के लिए है. आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं. सबसे पहले मैंने वार्म पानी लिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है एंड देन मैं ईस्ट का एक पैक ऐड करूँगी. शुगर एंड वार्म पानी से वो जल्दी से रिएक्ट करना शुरू करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है. दूसरी तरफ मैंने बड़े बॉल में मैदा ले लिया है, थोड़ा ऑयल ऐड करूँगी एंड 60 ग्राम के अराउंड सूजी ऐड की है. उससे थोड़ा सा क्रंच एंड क्रिस्प आता है. इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा एंड देन ये यीस्ट का पानी भी काइंड ऑफ रेडी है. इसको अच्छी तरह मिक्स करके चम्मच के साथ पानी को हम धीरे धीरे आटा गूंदना शुरू करेंगे. एंड वंस आटा रेडी हो जाता है तो मैं इसको ग्लैड रैप रख के राइस होने के लिए रख दूंगी. एंड ग्लैड रैप पे भी मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि जब भी ये राइस होता है तो बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है. सो आप भी ऐसे कर सकते हैं. अब हमारा आटा रेडी है, हम इसे मिलते हैं 1-2 घंटे के बाद. 1 घंटे का राइजिंग इनाफ होता है. आप थोड़ा सा डार्क एंड वार्म प्लेस पे रख दें इसको, यू आर गुड. नेक्स्ट मैं चने को भी बॉईल करने के लिए रखूंगी. चने को मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया. इसमें मैंने एक होल अनियन रखने वाली हूँ. अनियन आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगता. एंड थोड़ी हर्ब्स ऐड करूँगी ड्राई, लाइक स्टार एनीस करूँगी, सिनेमन, थोड़ा सा बे लीफ कर देंगे, ये बड़ी एंड छोटी इलायची को पीस के ऐड कर दूँगी मैं. और आप इसमें ऑल्सो ऐड कर सकते हैं जावित्री एंड सीजनिंग कर देंगे, पानी ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे. सो ये दाल है,
ड्रेन कर लेंगे, फिर डिशेस को क्लीन करने के लिए डाल के धुल लेंगे। सो थोड़ा थोड़ा करके ना इसको ग्राइंड करते हैं। सो ये राम लड्डू के लिए दाल को धीरे धीरे पीस लेते हैं। यह दाल पीसने में थोड़ा समय लगाएगी और थोड़ा पानी भी ऐड कर ले, पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ठीक किस्म की कंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि ज़्यादा पतला होगा तो इसको तलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हमें अच्छा कंसिस्टेंसी ही चाहिए, ज़्यादा रनी नहीं चाहिए हमें। सो ये जो दाल का आखिरी बैच है, इसमें मैं सीजनिंग भी कर लेती हूँ, उससे इजी हो जाएगा सब कुछ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक अराउंड हाफ इंच जिंजर, 3-4 ग्रीन चिलीज एंड ऑल्सो 1 चम्मच भर के मिंस्ड गार्लिक। एंड सीजनिंग में सिर्फ मैं सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड काली मिर्च ही ऐड करती हूँ। आप इसमें हिंग भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने आज स्किप कर दी है। एंड जब ये बैच मिक्स हो जाएगा तो इसको रेस्ट ऑफ दाल के मिक्सर के साथ मिक्स करके सारी सीजनिंग को इकट्ठा कर देंगे। इसमें अदरक एंड लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें थोड़ी एयर भरने के लिए ना मैं एक क्लॉक वाइज इसको फेंटेंगे, ऐसे एक बार इधर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे ख़राब हो जाता काम। पुदीने की चटनी के लिए मैंने सिर्फ पुदीना एंड धनिया की स्पेशली डंडियाँ ली हैं, क्योंकि चटनी में उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आप धनिया की डंडियाँ सुट देते हैं तो उसको सुट्टे नहीं, चटनी बना लें। अब ये चटनी तैयार है, इसमें मैं सीजनिंग ऐड कर दूँगी लेटर। मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा चाट मसाला, काली मिर्च एंड नमक एंड ऑल्सो थोड़ा सा लाइम या लेमन, दैट्स इट। बहुत अच्छी चटनी बनती है ऐसे। सो अर्लियर मैं सोच रही थी कि मैं पहले ना वो लड्डू बना लूँ, राम लड्डू पल्ले डाल के। अब मैं सोच रही हूँ कि चने को पहले तड़का लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू गरम गरम खाएंगे। हस्बैंड एंड हिमल पार्क में गए हैं, एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड की काफ़ी चीज़ों में ज़रूरत है। छोटे मोटे जो किचन हैंड वाले काम है ना, मैं उन्हीं से लेती हूँ, जैसे बिन खाली कर दें या फिर मूली को कद्दूकस कर दें, क्योंकि और चीज़ें तो वो नहीं कर पाएंगे। सो फिर उनकी हेल्प ले लेंगे एंड गरम गरम खा लेंगे। एंड थोड़ा सा ये वैसे भी ना फर्मेंट हो जाएगा, और दाल जब आप ग्राइंड करके रखते हैं ना थोड़ा और फूल जाती है और फिर और सॉफ्ट बनेंगे। सो छोले को पहले तड़का लगा देते हैं। बाय द वे, जब भी मैं चने बनाती हूँ हर बार यही बोलती हूँ कि इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है। ये वही वाले बनाने वाली हूँ जो मेरे कुकिंग चैनल पे है, उसका नाम है सिमोर कैन कुक। एंड लास्ट टाइम मैंने ना नई रेसिपी ट्राई की थी, नई ओल्डन रेसिपी काफ़ी लंबे समय के बाद बनाई थी, पिंडी चने जो ड्राई रहते हैं, मुझे और हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। पर फॉर सम रीजन हिम्मत को तरी वाले थोड़े पानी वाले चने अच्छे लगते हैं। एंड सो आज वही वाले बनाएंगे। एंड भटूरे का आटा अभी भी ना बहुत राइज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक 2 घंटे के लिए वो ठंडी जगह पे पड़ा था। आई डोंट नो अब वो होगा भी या नहीं, लेट्स सी। हम जैसा भी है उसी के साथ रोल करेंगे। एंड छोले को तड़का लगा लेते हैं सबसे पहले। अभी चने हो चुके हैं तो उसमें ना थोड़ा सा पत्ती वाला पानी डाल के टी के बैग इसी में डाल दें। चने के तड़के के लिए भी टमाटर एंड अदरक एंड हरी मिर्च का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तड़के में मैं सिर्फ ज़्यादा सारा टमाटर एंड खूब सारा अदरक एंड मिर्ची आपके स्वाद के अनुसार ऐड करती हूँ। इसको अच्छा पेस्ट बना लेंगे ताकि हम प्यारा चने की ग्रेवी बना पाएँ।
अंदर गई फिर तुम कितना चल रहा है अच्छा फेल क्यों है तू ये ना हिम्मत पर गया मैं सोचती थी कि हिम्मत इतना इंटरप्ट करता है और मैंने पता चल गया तू ही ओदे पियोवा और वो तो डाकोटा और तू ही दोनों से यार इतना काम करवानी है तू मेरे सबने देखा है कि तू ही का जिम मिसिंग थी और इतने खलारा है और सिर्फ मैं अकेले की था ओके सो हस्बैंड एक काम करन दे और शो करन दे कि पता नहीं क्या क्या कर लिया मैंने सो मैं इनको बना के देने वाली हूँ राम लड्डू शायद उससे इनको थोड़ा जी मेरे पोटे स्लो हो जाएंगे काम कर कर के ना तू ही राम लड्डू खान ली तैयार है राम लड्डू खाने तेरा ना शिवजी वाले लड्डू भी खाने चाहिए लक्ष्मी वाले लड्डू भी तेरे लिए लक्ष्मी वाले लड्डू नहीं होते ताना व्यारी है तान ताना दौलत बहु चटनी मूली तो उत्ते पानी है ये साइड पे और ये बगाड़न तो पूरा पूरा हाथ था तेरा मेरे ओके सो दिस इज राम लड्डू फॉर राम यार ये पोले बनाया तेरे यार ये आज दिन दा हर दिन दे नवे सोने कपड़े पा लन दी आज भी गली मां योही कोटी आन जाना आन जाना ने वाले इतना आज दा रूम दे पकोड़े यार ये ही दे आ मेरी गला गाली सॉफ्ट बनाए तेरे चंगे लगे हैं सो हमारी हो गया सक्सेस आई एम हैप्पी दैट ही इज ईटिंग ही इज लाइकिंग इट और पत्ती का ना थोड़ा कंट्रोल भी रखना पड़ेगा ज़्यादा खा लेंगे तो फिर भटूरे नहीं खा पाएंगे सो गाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं तो मैंने दो जगह डिफरेंट जगह पैक कर लिए हैं दो दोस्तों को देने के लिए एक वो मैं आंटी को दे के आऊँगी एक वो मेरी फ्रेंड को सो जल्दी से उनको डिलीवर कर देती गरम गरम खा लेंगे तो भटूरे को तल लेते हैं भटूरे का जो आटा था वो उतना राइज नहीं हुआ जितना होना चाहिए था पर भटूरे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आ रहा है भटूरे का सो एंड ऑफ द डे आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी विद व्हाटएवर आई गॉट क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब बनाए थे वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे बहुत सोना बनी
अब खाते हैं प्यार प्यार से सारा खाना मज़ेदार। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। baby, baby, you are really hurting me. देसी कपड़े पहन के करती हूँ, फिर मुझे लगा कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए। ये मैंने सूट जो लिया है मैंने हस्बैंड के शहर से लिया था, एंड बहुत समय हो गया कि मैंने येलो सूट नहीं पहना, मुझे येलो कलर बहुत प्यारा लगता है। सो ये पहन लिया है, एंड पहला मैं वही इयर रिंग्स मैंने चेंज किए हैं, ये भी मैंने मेरे हस्बैंड की सिटी से लिया है। आपको प्यारे लगे बताना मुझे। आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रौला है यहाँ पे। सो गाइज, इसी तरह हमारे कुकिंग व्लॉग से हम डन हैं। सो हमने बनाए हैं छोले भटूरे जो बहुत मज़ेदार थे, एंड ये अमृतसरी स्टाइल लड्डू। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में, एंड सिमोर शॉप से ज्वेलरी खरीदना बिल्कुल मत भूलें, बहुत ही प्यारे पीसेज है बहुत रीजनेबल प्राइस पे एंड बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई लव यू गाइज सो वेरी मच। बाय बाय ललू। You have